वेलकम टू आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप मेरे पास एक आरओ प्री फिल्टर की बोतल देख रहे हैं। मतलब इसे हम आरओ का प्री फिल्टर हाउसिंग बोलते हैं और इसके अंदर हम प्री फिल्टर फिट करते हैं। अब क्या होता है कि कई बार हम हमारे व्यूवर्स जो हैं या हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, इसे खोलने की कोशिश करते हैं कि चलो इसका जो अंदर इसमें फिल्टर है उसे 15-20 दिन बाद या एक दो महीने बाद इसको क्लीन करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये बोतल कई बार इतना टाइट होता है कि ये बोतल खुलती नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने आपको एक दो टेक्निक इस बोतल को खोलने की बता रखी हैं अपनी वीडियो में। हमारे चैनल में वीडियो है जिसमें कि आप इजी वे में इस बोतल को खोल सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और भी सबसे सिंपल और सबसे आसान टेक्निक बताऊंगा जिसका यूज करके आप इस बोतल को खोल सकते हैं और अपने आप से इसकी सर्विस वगैरह भी कर सकते हैं, अगर आपकी ये बोतल या प्री फिल्टर हाउसिंग जो है बहुत टाइट है। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी और आपको नॉलेज दे दूं। मैंने आपको पहले क्या बताया है कि अगर हमारी जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पहले ये बता रखा है कि हमें ये नोजल खोलनी होती है। कई बार अगर आपके पास बोतल प्री फिल्टर हाउसिंग खोलने के ऐसे स्पैनर है, अगर ये बोतल नहीं खुलती है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इस टाइप से हमें ये पकड़ लेना है और ये जो नोजल जो हमने खोल दी उसको ऐसे करके इस टाइप से हमें ऐसे खोलना होता है या फिर ऐसे टाइट हो जाती है। तो क्या होता है कई बार हम लोग इस टाइप से बोतल खोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी ये जो पोर्शन है जहाँ पे हमारी नोजल टाइट होती है, तो वैसे तो 99% नहीं होती, लेकिन 1-2% में कई बार होता है कि यहाँ ज़्यादा जोर लग जाता है हमारे स्क्रू ड्राइवर का। तो ये जो चूड़ियों वाला हिस्सा है जिस हिस्से में ये इस नोजल की चूड़ियाँ टाइट होती हैं, ये खराब होने के चांसेस रहते हैं। खराब होने के चांसेस रहते तो हमारे जो ऊपर का कैप जो है वो खराब हो जाता है, हमारी बोतल पूरी खराब हो जाती है। एक तो हमारा ये तरीका था जिसमें हमने आपको बताया, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है या आप इजीली कर भी सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। और इसके बाद फिर क्या होता है कई बार हमारी आरओ में ये बोतल जो है इस टाइप से दीवार के साथ स्क्रू ड्राइवर के साथ हैंग होती है और हम लोग इसे क्या करते हैं इस टाइप से पकड़ के अगर हमारे पास स्पैनर है तो इस टाइप से खोलने की कोशिश करते हैं, ऐसे जोर लगाते हैं। तो जोर लगाने से क्या होता है कि ये बोतल तो खुलती नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो बोतल खुलती नहीं है। खुलने में क्या होता है कि ये जो हमारी ये पीछे क्लैंप, ये आप जो देख रहे हैं प्लास्टिक का जो हिस्सा है, ये टूटने का चांसेस रहते हैं और ये क्लैंप टूट जाती है, उस कंडीशन में भी हमारी बोतल खराब हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है हमारे जो कुछ व्यूवर्स वगैरह है वो क्या होता है इस टाइप से बोतल को निकाल लेते हैं। बोतल को निकाल के ये जो दो पोर्शन है, इन दो पोर्शन को किसी भी चीज में फंसाते हैं, फंसा के ऐसे जोर लगा के खोलने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये बोतल नहीं खुलती। लेकिन आज की जो टेक्निक है उस टेक्निक में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सिंपल वे में आप बोतल कैसे खोल सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक पतीले में पानी लेना होगा, पानी को हमें बॉईल करना होगा। बॉईल करने के बाद हम ये बोतल जो है उसमें हम इस टाइप से डिप कर देंगे, जो मैं अभी आपको दिखाता हूं। गर्म कर लिया, अब गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, ये बोतल के दोनों जो नोजल है इसको इस टाइप से खोल देंगे, ये नोजल दोनों निकाल लेंगे। इन दोनों नोजल को निकालने के बाद क्या करेंगे हम, ये इस बोतल का जो कैप वाला हिस्सा है इसे हम इस टाइप से कुछ समय के लिए पानी में डिप करके रख देंगे, इस टाइप से। अब इससे होगा क्या कि हमारे जो बोतल और जो कैप जो होता है इस हिस्से में हमारा एक गैस्केट होता है, गैस्केट क्या होता है कि वो जाम हो जाता है, वो पकड़ बना लेता है तो वो खुल नहीं पाता है। तो अब ये गर्म पानी जब इसमें जाएगा तो वो गैस्केट और हमारा ये जो प्लास्टिक है वो फैल जाएगा, फूल जाएगा। फूलने के कारण कि उसकी ग्रिप जो है ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होने से फिर ये बोतल जो है इजिली खुल जाएगी। इसे कुछ समय के लिए हमें इस टाइप से ऐसे रखना है। ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ये बहुत पुरानी हम टेक्निक यूज़ करते हैं, हमारे जो सारे एग्जीक्यूटिव्स वगैरह जो है हमारे टेक्नीशियन, अगर कभी उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि बोतल नहीं खुलती तो लास्ट में जाके इसी टेक्निक को वो यूज़ करते हैं और इससे बोतल है बहुत ईजिली खुल जाती है और बोतल को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन सेफ है, बस पानी जो गर्म है उसे हमें थोड़ा सेफ्टी से यूज़ करना है। इस टाइप से देखिए कुछ समय के लिए हमें ऐसे रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसे खोलने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई अब इसकी ग्रिप कितनी लूज हुई है।
तो ये देखिए अभी मैंने इसमें से इसको निकाल लिया, और निकालने के बाद क्या है कि मैं इस पानी को जो है साइड में रख दूंगा इस पैन को। और अगर आपके पास स्पैनर है तो स्पैनर की हेल्प से आप ऐसे कर सकते हैं, और इसे हल्का सा ऐसे करेंगे तो ये देखिए मैंने बहुत हल्का सा ही इसमें जोर लगाया है तो ये इस टाइप से बोतल लूज हो गई है। और लूज होने का कारण क्या है कि जब इसमें गर्म पानी जाता है तो इसके ये जो आप गैस्केट देख रहे हैं, यहाँ जब गर्म पानी जाता है तो ये गैस्केट फूल जाता है, फूलने से इसकी ग्रिप खुल जाती है और ये बोतल जो है इजली खुल जाती है। तो इसके बाद फिर आप इस फिल्टर पर प्रेशर मार के इसको साफ करके दोबारा से इसे ऐसे टाइट मतलब टाइट कर सकते हैं। टाइट हमें बस इतना ही करना है कि इसमें से लीकेज ना आए, और अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो किसी अपने साथी की हेल्प ले सकते हैं जो कि इस बोतल का ऊपर वाला पोर्शन को पकड़ लेंगे और आप नीचे से इस टाइप से घुमा के इसे टाइट कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल और इजी वे है। तो इस टाइप से इसे टाइट कर देना है, स्पैनर लेना है, स्पैनर से इस टाइप से हमें इसे टाइट कर देना है। तो बस ये तो चलो हमने टाइट कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमें बोतल खोलने में खुलती नहीं है, उसमें जो जोर लगाना लगाते हैं उससे नहीं खुल पाती। तो ये गर्म पानी में डाल के आप इस बोतल को खोलिए और आपकी ये बोतल खुल जाएगी। बस आज की जो वीडियो है हमारे उसमें बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये छोटी सी टेक्निक पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। उससे ये होगा कि हम जो भी वीडियो सबसे पहले अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगी उसका नोटिफिकेशन। तो ये एक थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, बताइए।